हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाहरुख सैयद। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक्स, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स में मेजर कंट्रीब्यूशंस क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। हाँ, किसने दिए मेजर कंट्रीब्यूशंस? तो बहुत सारे बच्चों का क्या है, डाउट रहता है कि सर क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है और क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन है। सो आज हम उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। इट इज़ आल्सो नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जानते हैं और एक क्लासिकल थाट्स हैं। और इन हीज फेमस बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस इन द ईयर 1776, ये जो बुक, फेमस बुक पब्लिश हुई 1776 में। सो एडम स्मिथ जो इकोनॉमिस्ट है वो स्कॉटिश इकोनॉमिक्स है। और इनकी एक फेमस बुक और है जिसका नाम है द मोरल ऑफ सेंटिमेंट्स इन द ईयर 1759। सो डू यू रिमेंबर ऑलवेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में, एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव्स में। सो आपको ये याद रहना चाहिए कि क्या बेसिक डिफरेंस है क्लासिकल में, न्यू क्लासिकल में और मॉडर्न में। वो टाइम पीरियड का डिफरेंस है। नाउ सेकेंड, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इट इज़ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इनका जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो वेलफेयर ओरिएंटेड है। जो बेस है ना इनका, वेलफेयर है। हमने एडम स्मिथ की बात की तो वो जो उनका बेस था वो वेल्थ ओरिएंटेड था। यहाँ पे जो इनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। सो हमको याद रखना है ये। सो डोंट फॉरगेट इट अबाउट। और अल्फ्रेड मार्शल्स के जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं, हाँ, उसको हम याद रखेंगे। न्यू क्लासिकल थॉट्स हैं और थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी थ्योरी पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ में, अल्फ्रेड मार्शल की ही थ्योरी पढ़ते हैं हम, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लास ट्वेल्थ में। तो जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं वो अल्फ्रेड मार्शल की हैं, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंसल इकोनॉमिस्ट हैं और इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं। सो हम इसको भी याद रखेंगे। नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन ऑफ क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। सो इट इज़ वेरी क्लियर, आपको याद रखना है इसको, क्या डिफरेंसेस है। ओके, नाउ थर्ड वन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ल्यूनल रॉबिन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्केयरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जब हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो ल्यूनल रॉबिन्स हैं, इनके मॉडर्न थॉट्स हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करना, बिकॉज ह्यूमन के डिज़ायर्स और वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट हमारे जो रिसोर्स है वो हैं लिमिटेड, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। सो इनकी फेमस बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश इन 1932। ये जो बुक को पब्लिश किया इन्होंने आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये बुक को पब्लिश किया इन्होंने। और ये बुक का बहुत यूज़ हुआ और हमारी जो गवर्नमेंट है इसको यूज़ करके, इसकी हेल्प से हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ गए। सो हमको ये याद रखना है ये सारे पॉइंट्स को, इनके वर्क को, इनकी फेमस बुक को, उसके ईयर्स को। यहाँ पर नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट,
जो अदर इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में भी सीन करेंगे। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ 18th सेंचुरी में और कौन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में एडम स्मिथ के साथ आते हैं, तो डेविड रिकार्डो, जे एस मिल, टी आर मल्थस। अगेन न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स में 19th and 20th सेंचुरी में अल्फ्रेड मार्शल के साथ में ए सी पी क्यू, आर्विंग फिशर्स आते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स में 20th सेंचुरी टिल डेट जे एम किन्स, रॉबिन्स एंड पॉल सेमुलसन्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ डोंट बी कन्फ्यूज्ड।